चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट रिक्त घोषित विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। जल्द लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। एमएलए आशुतोष टंडन के निधन के बाद खाली है सीट। बीजेपी से विधायक थे आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी। इसी सीट से चुनाव जीत करके टंडन बने थे विधायक। अब सीट खाली है और विधानसभा सीट को रिक्त घोषित भी कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। जल्द लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है। देखिए उपचुनाव होगा जल्द ही लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर, क्योंकि लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट फिलहाल खाली पड़ी हुई है। एमएलए आशुतोष टंडन के निधन के बाद से ही ये सीट खाली पड़ी हुई है। अब अधिसूचना जारी कर दी गई है, उपचुनाव होगा ये भी जानकारी मिल पा रही है। बीजेपी से विधायक थे आशुतोष टंडन, उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली थी। देखिए आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी के निधन के बाद से सीट खाली बताई जा रही है। इसी सीट से चुनाव जीत करके आशुतोष टंडन विधायक बने थे। तो जल्द ही लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। एमएलए आशुतोष टंडन के निधन के बाद सीट खाली थी। अब अधिसूचना जारी की गई है कि सीट पर जल्द ही उपचुनाव करवाया जाएगा। और देखिए आपको बता दें कि जो आशुतोष टंडन और गोपाल जी है वो बीजेपी से विधायक थे। इसी सीट से चुनाव जीत करके टंडन विधायक बने थे, बीजेपी के विधायक थे। लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट रिक्त घोषित की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। G20 समूह के सदस्य देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट की मेजबानी करेंगे। 9 अतिथि देशों 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख का आमंत्रण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट की मेजबानी करेंगे। G20 समूह के सदस्य देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन है और आज पीएम नरेंद्र मोदी समिट की मेजबानी करेंगे और 9 अतिथि देशों 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रण दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की तैयारियां G20 समूह के सदस्य देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो G20 समूह के सदस्यों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट की मेजबानी भी करेंगे और करीब 9 अतिथि देशों और करीब 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रण भेजा गया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि G20 का जो अगर हम बात करें G20 का जो आयोजन है वो भारत में किस तरीके से सफलतापूर्वक कराया गया था और इसी कड़ी में लगातार अलग अलग देशों को मौका मिलता है G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर जब इस शिखर सम्मेलन में जुड़ेंगे और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे तो निश्चित रूप से इस G20 समूह में जितने भी सदस्य देश है वो एक तरीके से रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आगे जो जो इस समूह के सदस्य देश हैं वो अपनी अपने विकास को किस तरीके से आगे लेकर जाए और समन्वय जो है वो किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ बनाया जा सके। तो निश्चित रूप से आज G20 समूह के सदस्य देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है पीयूष, ये भी जानकारी मिल पा रही है इस समिट में 9 अतिथि देशों 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख को आमंत्रण दिया गया, तो वहीं पर जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो वर्चुअल तरीके से हिस्सा भी समिट में लेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से पिछली बार आपने देखा कि G20 में व्लादिमीर पुतिन हिस्सा नहीं ले पाए थे, ऐसे में पूरी तरीके से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समूह सदस्य के साथ शिखर सम्मेलन को वर्चुअली सम्मेलन का मेजबानी करेंगे तो निश्चित रूप से तमाम देशों के सदस्य इसमें शामिल होंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग वो शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग बैठक में शामिल होंगे और इस समिट में रूस यूक्रेन युद्ध इसराइल हमास संघर्ष पर भी बातचीत संभव है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पुतिन के वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की भी कहीं ना कहीं संभावना अभी जताई जा रही है, यानी कि वो शामिल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कहीं ना कहीं आज होने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन किसी अन्य प्रोग्राम में शामिल होने की वजह से इसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे और जिस तरीके से आपने देखा कि नई दिल्ली में 9 और
10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन किया गया था और इसमें तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन इस समिट में भी पिछली बार जब भारत में आयोजन कराया गया था तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं लिए थे और खासतौर पे जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन वो भी भारत में आ सके हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को समिट में शामिल होने के लिए जरूर भेजा था। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे वर्चुअल समिट में चर्चा की जाती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही क्योंकि अफ्रीकी संघ के भी साथ आए हैं तो निश्चित रूप से तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।